नमस्कार, मैं हूँ रक्षा उमर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर की रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबरें। खबर है मिर्जापुर से। मिर्जापुर नगर के मध्य चिनीवा इनारा मोहल्ले में शनिवार की देर शाम व्यापारी के घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने एक महिला और दो बच्चों को सिर पर भारी चीज से प्रहार करके घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायलों में पुनीता 27 वर्षीय पत्नी अंजनी केशरी, विराट 7 वर्ष तथा सौर्य 5 वर्ष बताई गई। कटरा कोतवाली क्षेत्र के चिनीवा इनारा मोहल्ले में दवा व्यापारी के घर में घुसे बदमाशों ने पहले और चौथे तल पर मौजूद पुनीता को अपना शिकार बनाया। खलबट्टा में प्रयुक्त होने वाले लोहे की भारी भरकम बट्टे से सिर पर वार किया गया था। इसके साथ ही उनके शरीर पर चाकू से भी हमला किया गया था। पूजा करने के बाद जब पीड़िता के पति अंजनी घर पहुंचे तो पत्नी को लहूलुहान देखकर शोर मचाया। आवाज सुनकर परिजन दौड़े भागे। महिला को लहूलुहान देखकर परिजन गंभीर रूप से घायल पुनीता को लेकर अस्पताल भागे। इसके बाद दोनों बच्चों की तलाश की जाने लगी। पांचवें तल की छत पर दोनों बच्चों का सिर पर प्रहार करके फेंक दिया गया था। उनका सिर कलोथरा लटक रहा था। तीनों की गंभीर हालत को देखते हुए वाराणसी रेफर कर दिया गया और DIG एवं SP मौके पर पहुंचे। मौके वारदात हृदय विदारक घटना को अंजाम देने के कारण हमलावर के बारे में छानबीन की जा रही है। रविवार को सुबह पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने गहन जांच की। आसपास लगे CCTV कैमरा फुटेज को संकलित भी किया गया। इस मौके पर DIG बताया कि अभी जांच की जा रही है, कुछ भी कहना अभी उचित नहीं होगा। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट। हमारा पूछा गया है, हालत गंभीर है, क्या है पूरा मामला, कैसे ये घटना हुई है और वर्तमान की स्थिति क्या है सर? अभी हम आपके सामने हैं, सामने यहाँ पर ये कटरा थाने के रहने वाले चिनीवा इनारा के पास केसरी परिवार है, जिसमें अंजनी केसरी की पत्नी और उनके दो बच्चे हाल अवस्था में यहाँ भर्ती किए गए हैं और उनको बना सकते हैं। सर कुछ अभी संज्ञान में मामला जाँच चल रही है, क्या है? अभी हम लोग मिलकर जा रहे हैं, जाँच करके जो भी बात होगी। और एक महिला की दर्दनाक सर ये घटना क्या है, पूरा घटना आप मौके भी पहुँचे, क्या है पूरा डिटेल? देखिए यहाँ पर अंजनी हैं, उनकी जो वाइफ है वो करीब पाँचवें मंजिल पर उनका एक कमरा का घर है, उसके अंदर में वो दो बच्चों के साथ में रहते थे। उस पूरे बिल्डिंग के अंदर में उनका पूरा परिवार साथ में ही रहता है, बल्कि आसपास भी उनके परिवारजन और निकटजन के साथ में रहते हैं। वो शाम को नीचे पूजा कर रहे थे, पता चला कि जब वो ऊपर देखने गए तो वहाँ पर उनको उनकी पत्नी और उसके ऊपर उसी की छत के ऊपर में दो बच्चे घायल अवस्था मिले हैं, जिनको रेफर PHU कर दिया गया है, उनका इलाज जारी है। यहाँ पर घटना स्थल पर हम लोग आए हैं, जांच पड़ताल चल रही है, पूछताछ चल रही है, शीघ्र घटना का सब गया। क्या लग रहा है अब तक, क्या कोई ये मतलब कैसी घटना, मतलब ये घायल अवस्था जो है अभी 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 बहुत जल्दी इसके बारे में कुछ भी कमेंट करना, हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं, शीघ्र लेना पड़ेगा। डकैती सर इसमें बताया जा रहा है कि क्या इस तरह की मामला है, डकैती की घटना? घटना के अंदर में पूरी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई है, ऐसा कोई भी चीज अभी तक संज्ञान में नहीं आई जिसके अंदर। प्रथम रूप से सर क्या मतलब कुछ देखने को मिला था, ये आप जांच चल रही है?